अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक होंगे। मच्छरदानी साड़ी लग गई जे, ओए होए थक भी गई हो। ये देखें जी, इन्ना काका मेरा सो भी गया है, बहुत तंग करती है, इतना ये तंग करने लग गई है मुझे, बहुत तंग करती है जी। फ्री हो के ते सारा कुछ कर करा के तो फिर बैठी हूँ, बर्तन भी धो लेने ते खाना वगैरह भी रात का खा लिया। हम फ्री हो के मैं बस लेट गई हूँ। ओह मेरे हस्बैंड जी, ये भी बस इन्हें शाम का मूड खराब है। साड़ी अज दाल लेट हो गई, फिर आंदियां इन्हां ते दाल रोड़ गई। फिर आ के जिहड़ा सानूं दरवाजे ने तंग कीता ओह लैदा, और तो बाद जनाब फिर इतना ने जिहड़ा सानूं तंग कीता ओह सब नालों ज़्यादा। अज बड़ा गुस्सा चढ़िया असीं, पर असीं कंट्रोल कर लिया, शुक्र करो रोटी खा ली असीं, है ना? रोटी खा ली शुक्र करो। मेरी जो सासू माँ है ना, उन्होंने कहा था कि ना रात को अगर पाँव पानी में भिगो ले ना आधा घंटा, तो सारे जिस्म की ना हीट निकल जाती है। और मेरे ना वैसे भी पाँव बहुत रात को बहुत उलझन करते हैं, मैंने कहा चले आज ये जमा के देखती हूँ, आप भी ट्राई करना। गर्मियों में ना सर की भी कहते हीट निकल जाती है अगर पाँव को ना पानी में भिगो, लेकिन लेना ताज़ा पानी है ना। हाँ ताज़ा पानी ही लेना है आप लोगों ने, और उसमें तकरीबन आधा घंटा जो है ना तो पाँव भिगो लेने हैं। मैंने भी आज फर्स्ट डे ही ट्राई किया, मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसा रहा इसका रिजल्ट, और आप लोग भी करके ना देखना फिर भी मुझे बताना। तो जनाब आज के व्लॉग में ना हम आपको बताएंगे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सारा आपको अपना तारुफ करवाते हैं आज। ये जो है ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनकी वाइफ हूँ, और वो जो है ना लेटी हुई वो हमारी बेटी है। बेटी का नाम है इजना, मेरे हस्बैंड का नाम है फरहान, और मेरा नाम है रिमशा। और हमारी जो फैमिली में के इजना के जो ननियाल में है, ननियाल तो चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम रहते हैं इधर गुजरांवाला में। पहले भी मुझे ना काफ़ी देर पहले ना एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ पे रहते हैं, हम गुजरांवाला में रहते हैं। और अगर हम इजना के ददियाल की पहले बात करें तो इजना के जो दादा अबू हैं उनकी डेथ हो गई है, दादी अम्मा हैं, और इसके सारे ताया अबू ही हैं। एक ताया अबू की अभी इसकी शादी नहीं हुई, वो बाहर होते हैं। जो सबसे बड़े ताया अबू हैं उनकी शादी हुई है, उनका एक बेटा है जो है इधर, और एक ताया अबू जो है वो इसके लाहौर रहते हैं। आपको दिखाया था ना जिनके चोट लगी हुई थी, वो कौन से नंबर पे हैं? वो तीसरे नंबर पे हैं, और जो फरहान है वो सबसे छोटे हैं। और अगर इन्ना के ननिहाल की बात करें तो हम लोग हैं तीन बहनें और एक भाई, सबसे बड़ी मैं हूँ, उससे मेरे छोटा भाई है जो इजना के मामू, आपने अक्सर हमारी वीडियो में देखे भी होंगे, और इजना की दो खाला है, मेरी मामा और मेरे बाबा हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। इजना की दादी माँ भी हैं, अल्लाह पाक उनको भी ज़्यादा लंबी ज़िंदगी दे। रहते हम पास ही हैं, वो भी इधर गुजरांवाला में ही रहते हैं, लेकिन हम अलग रहते हैं।
बाकी भी सारे जो हैं इतना के जो ताया वगैरह है वो भी सारे अलग अलग ही रहते हैं। जो बड़े इसके ताया अबू है ना वो अम्मी के साथ हैं, उनकी वाइफ जो हैदर लोग हैं ना वो अम्मी के साथ रहते हैं। और बात करें मेरी एजुकेशन की तो मैंने बीए किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और जो फरहान है उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है आगे। और जॉब जॉब सोचा तो है था करने का, लेकिन जॉब जो है वो फिलहाल मुझे नहीं करने देते, कहते गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी तो वो करनी है, वैसे प्राइवेट नहीं करनी है। मैं कहा चलो ठीक है, अगर आपने जॉब नहीं करने देनी तो मैं घर में फ्री होती हूँ तो ब्लॉगिंग ही स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे भी मैंने अब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है। गवर्नमेंट की जॉब जनाब मिली थी मुझे तकरीबन वो शादी से पहले, हाँ शादी से पहले मिली थी कोयटा में, लेकिन वहाँ पे मामा पापा ने ना जाने नहीं दिया, इजाज़त नहीं मिली। शादी से पहले फिर मैंने इस्लामाबाद भी जॉब की थी, फिर शादी के बाद इनको अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने मुझे वहाँ पे भी नहीं जाने दिया, वो मेरी प्राइवेट जॉब थी। हमारी शादी को माशाल्लाह इस जुलाई में 3 साल मुकम्मल हो जाना है, और इतना माशाल्लाह। और याद भूल गया मैनू, हमारी शादी को 2 साल नहीं 3 साल नहीं 2 साल होने, हम भूल भी गए कि हमारी शादी को कितने साल, इस जुलाई में हमारी शादी को माशाल्लाह 2 साल हो जा रहे हैं। और हमारी जो मुन्नी है वो भी जून में माशाल्लाह इसने हो जाना है 1 साल की, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक इसे भी लंबी ज़िंदगी दे। मैं ना बातें करते करते मैं भूल ही गई हूँ कि हमारी शादी को कितने साल हो जाने हैं, माशाल्लाह 2 साल मुकम्मल हो जाने हैं इस जुलाई में। गर्मी तो जनाब गर्मी का सुनाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी चल रही है। कल ना मैंने रिहान को भी ना दुपट्टा जो होता है वो गीला करके रात कर दिया, मैंने कहा ऊपर गीला करके ना वो ऊपर दे लो, पानी में भिगो के ना वो इनके ऊपर दे दिया, ठीक है मुझे सर्दी लग रही है, मैंने कहा चलो ठीक है दी। आप लोगों से बातें करते करते मेरे पानी अभी काफ़ी गर्म हो गया, हालांकि मैंने लिया तो मैंने वैसे ताज़ा पानी ही था, लेकिन काफ़ी हीट निकल निकल गया ना पाँव से, काफ़ी ही गर्म हो गया पानी। और मेरी एक बात और है जनाब, आज मैंने काफ़ी बातें कर ली हैं आप लोगों से, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, जो हमें देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और कमेंट भी किया करें। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, पता नहीं आप लोगों को हमारे व्लॉग नहीं अच्छे लगते या क्या बात है, आप लोग कमेंट भी किया करें ना, मैं इतनी बातें करती हूँ इतनी बातें पूछती भी हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताया करें ना जो जो हम पूछते हैं, ताकि हमें भी आइडिया हो, हम उसके रिलेटेड फिर अपना नेक्स्ट व्लॉग भी बनाया करें। लेकिन आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हो, उस दिन जो प्रैंक वाला था उसमें भी फरहान ने इतनी दफ़ा आपसे पूछा कि आप बताएं, आप लोगों ने नहीं बताया। कल भी मैंने पूछा था, और जिस दिन इज़ना के कान बनवाए उस दिन भी मैंने पूछा कि इज़ना कैसी लग रही है, एक दो कमेंट ही आए हैं बस। आप लोग कमेंट भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और शेयर भी किया करो हमारी वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सारे हमें देखें फिर, लेकिन आप लोग मेरे ख्याल में देखते ही नहीं हैं हमें। चलें फिर ठीक है गाइस, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जो मैंने रिक्वेस्ट की है कोई बात नहीं, हमारी रिक्वेस्ट को एक दफ़ा मान लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें। मिलते हैं फिर आपको हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में,
आज हमने बस आप लोगों से बातें की हैं, अपना इंट्रो करवाया है, कभी इतना डिटेल से हुआ ही नहीं है। हमने कहा आप हमारी फैमिली, आपको पता चलना चाहिए कि कैसे को कैसी हमारी लाइफ है, कौन कौन है हमारी लाइफ में, हम कहाँ पे रह रहे हैं, वो सब मैंने आप लोगों को आज बताया। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखे, दुआओं में याद रखिएगा, और अपना गर्मी से ज़रा बच के। ओके, अल्लाह हाफिज़।